हेलो गाइस, जैसा मैंने बोला था कि मैं जीएस का पूरा क्रैश कोर्स करवाऊंगा आपको, तो ये मैं डे थ्री आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। दिस इज डे थ्री ऑफ द क्रैश कोर्स। पिछली वीडियो में हमने माउंटेन माउंटेन्स एंड कुछ जो मेजर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनके बारे में देखा था। देखो भाई, मेरी खुद की जीके ढीली है, डाउन है, बट स्टिल मुझे ये पता है कि एग्ज़ाम में नंबर कैसे आते हैं जीएस में, जीके जीएस सेक्शन में। आप मुझे कोई भी कोई रिसेंट चीज़ पूछिए देखोगे, या फिर बहुत ही सिंपल सी चीज़ हो सकता है मैं जीके में ना बता पाऊँ, बट एग्ज़ाम में जो चीज़ आती है रेलिवेंट टू द पॉइंट, उनको कैसे कवर करना है ये मेरे को बहुत अच्छे से आता है। जैसे कि ये महाजनपद वाला टॉपिक है, बहुत बड़ा है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, आप चाहें तो इसमें पढ़ के यूपीएससी लेवल तक जा पहुँच सकते हैं, बट उतना रेलिवेंट नहीं है एसएससी के लिए। एसएससी इसमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पूछता है, और बहुत मतलब ऑफन उन्हें काफ़ी रिपीट करता है, उन्हें काफ़ी फ्रिक्वेंटली रिपीट होती हैं। सबसे पहले तो वो यही पूछ लेता है कि इनका एग्जिस्टेंस कब था, वो था 600 से 300 BC। एक ये आप याद कर लीजिए। फिर वो आपसे ये पूछ सकता है कि कितने ऐसे महाजनपद थे, टोटल कितने महाजनपद थे, आपको पता है 16 थे। अब इनमें से ऐसे कितने थे जिनकी दो कैपिटल थी, नॉर्थ और साउथ अलग अलग, ऐसे टोटल तीन थे। ये तीन पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके बारे में कहाँ बताया गया। देखिए, दो तरह के टेक्स्ट हैं जिनमें महाजनपद के बारे में डिस्क्राइब किया गया, एक है आपके बुद्धिस्ट और एक है आपके जैन टेक्स्ट, अलग अलग बुक्स हैं दोनों। देखिए, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं इसका नाम है आपका अंगुत्तर निकाय, इसमें महाजनपद के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और जो आपके जैन टेक्स्ट हैं वो है आपके भगवती सूत्र। ये दोनों नेम सब याद कर लीजिए, ये भी पेपर में बहुत बार आ चुका है पहले। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महाजनपद और उनके कैपिटल, बिकॉज सबसे ज्यादा जो चीज पूछी जाती है महाजनपद टॉपिक से वो यही है कि आपसे भी पूछ लेता है कि इस महाजनपद का कैपिटल क्या था, और अगर डेप्थ में जाना है तो वो आपसे नॉर्थ और साउथ कैपिटल अलग अलग भी पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे कि जो आपका अंग था, अंग महाजनपद, उसकी कैपिटल थी चंपा, मगध की थी गिरिराज, इसी तरह से काशी की थी वाराणसी, वाराणसी आपको पता है उत्तर प्रदेश में, कौशल जो आपका महाजनपद था उसकी थी श्रवस्ती अयोध्या, वज्जी का था विद्या एंड मिथिला, माला कुशीनगर, छेड़ी का जो आपका कैपिटल था वो था आपका शक्तिमती, वत्स का था आपको कौशाम्बी, कौशाम्बी जैसा कि आपको पता होगा इलाहाबाद के पास, सॉरी अब तो प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज यहाँ पे अब प्रेजेंट है प्रयागराज। और हम देखते हैं कुछ, ये टोटल आपको पता है 16 महाजनपद से, उनकी अब सबके आपको कैपिटल्स मेमोराइज होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें छाट रखी हैं मैंने इसमें से, इतना आपको एकदम ठोस तरीके से याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो आपका कुरु महाजनपद था, इसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य जो था इसकी थी विराटनगर, ये आपका जयपुर में प्रेजेंट है विराटनगर। फिर आपका आता है पांचाल, इसकी जो नॉर्थ, इसकी दो अलग अलग थी, नॉर्थ वाली थी आपकी अहिचित्रा, ये पेपर में आ चुका है एक बार मुझे याद है, और एक आपकी जो साउथ में दक्षिण में थी वो थी आपकी पांचाल। इसी तरह शूरसेन की थी मथुरा, ये आपको उत्तर प्रदेश में लाया करता है आगरा के पास। नेक्स्ट आपकी जो अश्माक थी, इसकी एक पोटान कह सकते हैं, पोटाली भी कह सकते हैं, दोनों सेम नेम्स हैं, थोड़ा इनमें कन्फ्यूज़न है कि कौन सा नेम एक्चुअल ज़्यादा प्रिवेलेंट है, दोनों इक्वली यूज़ करे जाते हैं, इसलिए आप दोनों पोटान और पोटाली याद कर लीजिए। अगला आपको देखना है अवंती, अवंती की नॉर्थ में थी आपकी उज्जैनी और साउथ में थी आपकी महेशमती, ये काफ़ी फेमस है, इस पर मूवी बनी थी बाहुबली मूवी, ये इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट आपकी जो गंधारा की थी, ये थी टक्सिला, टक्सिल आपको पता है कि ये कश्मीर और अफगानिस्तान रीजन में प्रेजेंट है, कश्मीर अफगानिस्तान जो रीजन है इसमें ये आपका एरिया आता है टक्सिला का। नेक्स्ट आपकी जो काम्बोज, ये आपकी राजपुर में, ये भी आपका कश्मीर में प्रेजेंट है। देखिए, महाजनपद टॉपिक से आपको केवल इतना ही देखना था, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा आपको इस टॉपिक में कुछ नहीं देखना है। बस पेपर में बहुत ही ज़्यादा अगर पूछ लिया तो वो आपसे नॉर्थ और साउथ कैपिटल अलग अलग भी पूछ सकते हैं, वरना
जनरली क्या होता है, वो आपसे महाजनपद का नाम आपको दे देता है, उसकी कैपिटल आपसे पूछ लेता है, या फिर आपको कैपिटल का नाम दे देगा और वाइस वर्सा उसका आपको महाजनपद पूछ लेगा, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि बुद्धिस्ट टैक्स कौन सा था, जैन टैक्स कौन सा था, जो मैं आपको पिछली स्लाइड में पहले अच्छे से समझा चुका हूँ। बस इतना ही आपको कवर करना है, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। और ऐसी बोला था मैंने आपको 5-6 मिनट, 5 से 7 मिनट्स तक की वीडियो रहेगी जीएस क्रैश कोर्स की, उतने में आपको 60 डेज में पूरा जीके मैं कवर करवा दूंगा। कुछ अगर डिटेल क्लास लेनी पड़ी वो भी ले लूँगा, बाकी स्टैटिक जीके में ऐसे ही इन्हें कवर करना है हमें। स्टैटिक जीके हम ऐसी पूरी फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।